ओम परम तारक्षत गुरुभ्यो नमः। आज हम बात करेंगे पांच प्रश्न स्वयं से करें। बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही काम के और आपको जीवन में कई प्रकार की विशिष्ट ऐसी जिंदगी को किस प्रकार हम कई प्रकार की दुविधाओं से बचा लें और हमारा जीवन स्मूथली चलता रहे। उसके लिए बहुत ही प्यारे से छोटे छोटे एक एक शब्द का एक एक प्रश्न यूं देखा जाए। और ये पांच प्रश्न जो अब मैं बताने वाला हूं, वो अगर आप कुछ भी करें, बोले, खाएं, कहीं घूमने के लिए जाएं, कहीं शॉप पे जाएं, स्कूल जाएं, जॉब जाएं, कहीं भी जाएं, पांच प्रश्न अपने आप से उस बात के लिए जरूर पूछें। शॉपिंग करना हो, कुछ भी करना हो, लगभग सब जगह यह पांच प्रश्न आपके लिए बड़े उपयोगी होंगे। तो पांच प्रश्न मैं आपको बताता हूं एक साथ। आपको पहले पांच प्रश्न बता देता हूं, कौन कौन से पांच प्रश्न है वो, जो आपको करने से कितना फायदा हो सकता है। पहला प्रश्न है कब, दूसरा कैसे, तीसरा कहाँ, चौथा कितना और पांचवा क्यों। कब, कैसे, कहाँ, कितना और क्यों, ये पांच प्रश्न आपकी जिंदगी में कई प्रकार की आने वाली दुविधाओं से आपको बचा सकते हैं, चाहे वो शारीरिक, चाहे वो मानसिक, चाहे वो शांति यानी शब्द से, वचन से मिलने वाली यातना, शारीरिक परेशानियां शायद आपकी टल जाए, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में लिए हुए हमारे निर्णय बड़े ही घातक हो जाते हैं, बड़े ही कष्टदायी हो जाते हैं, उससे हमें बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है। शायद ये पांच प्रश्न अगर आप जब भी कुछ विशेष या कुछ भी जनरली छोटे छोटे कामों पर भी शुरुआती दौर में अगर आप करने लगेंगे, तो शायद आपके भीतर कुछ एक अलग एहसास जगेगा। कुछ जगह ऐसी होती है कि तुरंत ये पांच प्रश्न कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें आपको वहां पर सफलता भी मिलेगी। कब, सामान्य से हम एक बात करें, सभी लोग भोजन के विषय में बहुत चिंतित रहते हैं, ये खाना, वैसा खाना, ये नहीं खाना, वे नहीं खाना, बहुत सारी बातें व्यक्ति के भीतर चलती रहती है। तो हम सबसे पहले यह चिंतन करें, खाना हमारे सामने न आए उसके पहले ही भोजन करना है। कब करना, पहली बात, भोजन हम कब करें, सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, हम भोजन कब करें, जब हमें भूख की भीतर में अनुभूति हो कि हमें भूख लग रही है, अभी भोजन की हमारे शरीर को आवश्यकता है, यह हमें जब एहसास हो तब। तो कैसे करेंगे, हाउ टू ईट, कैसे भोजन करेंगे, व्हेन, हो गया जब हमें भूख,
अंदर से शरीर खाना मांग रहा हो उस समय। हाउ, अब पहली बात क्लियर हो गई, भूख लगी हुई है, तो दूसरी बात कब कैसे, दूसरी बात कैसे कैसे भोजन करना। तो भोजन खाया न जाए, उसे इतना चबाया जाए कि उसे गले से उतारने के लिए वो जैसे तरल पदार्थ में बदल जाए, लिक्विड फॉर्म हो जाए, और लिक्विड फॉर्म वो अपने पेट में जाए। ऐसे शांत चित्त होकर, एकदम भीतर भी शांति हो, एकदम प्रेम पूर्वक सामने आए हुए भोजन को करना। कहां करना उसका भी अपना एक स्थान नियत होता है। घर में अगर आप हैं तो कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन करते हैं, कोई नीचे बैठ के भोजन करते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन नीचे बैठ के किया जाने वाला भोजन अपना विशेष महत्व रखता है, उसके अंदर कुछ विशेष रस बनते हैं। कोई बात नहीं, डाइनिंग टेबल पर भी आप बैठ रहे हैं, लेकिन मूल भीतर में हमारे प्रसन्न चित्तता कहाँ, वेयर, किस जगह बैठना, किस जगह बैठ के हम भोजन करेंगे। जहां पर भी बैठे हम अपने भीतर से बड़े प्रसन्न चित्त होकर बैठे। घर में है तो घर में जो भोजन का नियत स्थान है वहां बैठे और आनंद में बड़े उल्लास पूर्वक, खुशी खुशी, एक खुशनुमा माहौल में। अब कितना भोजन करेंगे, जितना हमारे शरीर को मांग हो। शरीर को बहुत थोड़ी रिक्वायर होती है, लेकिन ये जीव जो है हमारी, इसको स्वाद अगर लग गया किसी चीज का तो वो और मांगे जाती है और उसे हम दिए भी जाते हैं। नहीं, हम देखें, हम फील करें, हम रियलाइज करें क्या इतना हमारे लिए जरूरत है या नहीं। हम अगर थोड़ा सा जागरूक होंगे तो हमें पता चल जाएगा। शरीर हमें खाना खाते हुए इंडिकेशन देता है, सूचन देता है कि आपको इतना ही भोजन करना है, लेकिन फिर भी स्वाद के वशीभूत होकर या थोड़ा और खा ले, पता ही नहीं चल रहा है, फिर जब पेट एकदम टाइट हो जाए तब तक खाते रहे, बहुत सो की आदत होती है। लेकिन नहीं, जब हमारा शरीर हमें सूचन दे दे हमें उतना ही भोजन करना है जितना हम डाइजेस्ट कर सके, कितना, तो हम इसका प्रमाण खुद पता लगाएंगे। हमें धीरे धीरे, हम अगर थोड़े से अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारे शरीर को कितना भोजन चाहिए और क्यों। लास्ट क्वेश्चन है, क्यों, वाई, हम क्यों खाएं खाना, किस लिए, कि शरीर में, शरीर को टिकाए रखने के लिए, शरीर को आगे गतिशील बनाए रखने के लिए ये हमारा शरीर कुछ न कुछ हमारे लिए उपयोगी बना हुआ है, ये हमारे लिए उपयोगी बना रहे, इसके लिए जरूरी है तो हम इसको वैसा ही खाना दें जिस प्रकार इसको जरूरत है। संक्षेप में बताया, ऐसे ही बोलना, ये मुंह जो है ना दो काम करता है, खाना और बोलना। खाने की बात हुई, बोलने की बात संक्षिप्त में हम समझ लें।
कब बोलना? जब कोई प्रसंग हो हमें बोलने का अवसर दिया जाए कि आप बोलिए, तब बोलना। कैसे बोलना अगर वहां अवसर अपने को कोई अपने को ऐसा प्रसंग मिल गया कि आपको बोलना है, तो फिर कैसे बोलना? हाउ टू स्पीक, कैसे बोले? तो एकदम नपे तुले, एकदम मिठास पूर्वक, शांत होकर, प्रेम पूर्वक, कब, कैसे, कहां बोले? वो स्थान क्या हमारे लिए बोलना उपयुक्त लग रहा है कि हम इस स्थान पे बोलें? लग रहा है? ओके, अवसर भी दिया गया है कैसे बोलना, ये भी हमने सोच लिया, लेकिन क्या वहां पर हमारा बोलना ठीक है या नहीं? अगर ठीक है तो हम बोलेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे कि मेरे यहां बोलने का कोई प्रयोजन नहीं है, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। कब, कैसे, कहां, अगर बोलना है उस स्थान पर कितना बोलेंगे? 20 शब्द, 25 शब्द, 30 शब्द, 100 शब्द, 200 शब्द, कितना, जितना, एकदम छटी हुई नपी तुली भाषा और मिठास पूर्वक हम उस अपनी बात को संक्षिप्त में कह देंगे। और पांचवा, कितना, जितना आवश्यक है उसको पूरा साध के बस उतने में हम पूरा करेंगे। कितना और क्यों, क्यों बोलना कि वहां पर हमें वो कुछ पूछा गया, अवसर दिया गया और हमारे लिए वह योग्य स्थान था बोलने का, हमें कितना बोलना यह भी पता चल गया। और क्यों बोलना, क्योंकि वहां पर हमारा बोलना अपेक्षित है, उन लोगों की चाह है कि हम कुछ बोलें तो हम बोलेंगे। इतना जब हम हमारे भीतर सारा कर लेते हैं, शुरुआती दौर में तो थोड़ा समय लगेगा आपको ये सब करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, जब आप इसके अभ्यासु बन जाएंगे, तब आपका यह कार्य बड़ा ही आसानी से होना शुरू भी हो जाएगा। तो बंधुओं, ये 5 प्रश्न, कब, कैसे, कहां, कितना और क्यों, अगर हम अप्लाई करें और हम इस चीज को अगर अपने जीवन में हर बात के साथ जोड़ दें, तो मैं समझता हूं हमारी बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही समाहित हो जाएगी, समस्या बनेगी ही नहीं, उसके पहले समस्या जैसे आपको छूना ही बंद कर देगी, समस्या आपसे दूर भागना शुरू कर देगी। तो बंधुओं, आप सभी अपने जीवन में इन 5 प्रश्नों को अपनाएं। शुरुआत में हो सकता है आपके लिए मुश्किल भी लगे, लेकिन जब जैसे जैसे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, वैसे वैसे आपके लिए ये एक सामान्य सी बात हो जाएगी, और उसके साथ ही आप काफी कुछ अपने जीवन में परिवर्तन कर सकेंगे। तो बंधुओं, इस बात को आप अपने जीवन में लें, यही मंगल कामना शुभेच्छा के साथ आज इतना ही।